अरे क्यों मारे जा रहे हैं आप मेरे बच्चे को? तुम्हारे बच्चे का तो आज मैं खून पी जाऊंगा, इसकी हिम्मत कैसे हुई है? अरे आप अपना हाथ संभाल कर बात करो, वरना क्या है, क्या करेगा? मार डालेगा मुझे, पता क्या करेगा? अरे माँ, मैंने कंट्रोल नहीं बना मेरे हाथ से न। आखिर मुझे बताएं मेरे बच्चे का गुनाह क्या है? गुनाह? कोई एक गुनाह नहीं किया इस बदबख्त ने, इसका खलीज वजूद तो लुथड़ा हुआ है गुनाहों में, और इसके सारे गुनाहों में तुम बराबर की शरीक हो, तुम्हारा हिस्सा है बराबर का, तुम्हारी शय है। अरे ये लेक्चर देना बंद करो, मुझे ये बताओ मेरे मुंह पे थप्पड़ क्यों मारे तुमने? एक मासूम लड़की से धोखा दही से माल छीना तुमने, और फिर इस हद तक वरगलाया उसे कि वो अपने बाप और भाई का घर छोड़ के भाग गई, अपने शोर से छुप छुप कर तुझसे मिलती रही। रुबाब की बात कर रहे हो? हाँ, अरे वो मेरा और रुबाब का मामला बीच में टांग मत आओ, वो मुझसे मोहब्बत के पाकीज़ा नाम को गाली मत दो बेगैरत, तुझे शर्म नहीं आई उसे झूठी तस्वीरों से ब्लैकमेल करते हुए? क्या? हाँ, और जब उसको हो गया इस बेगैरत का, तो उस बिचारी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, उसकी जुड़ी तस्वीरें इंटरनेट पर डालने की धमकियां दी, उसके बाप और भाई को दिखाने की धमकियां देता उसे, और बदले में करोड़ों रुपए मांग रहा है ये खबीस इंसान। फारूख, ये कह दो कि ये सब झूठ बोल रहे हैं बेटा। कल को इसके साथ भी ये गिरी हुई हरकत हो सकती है। अरे मुझे किसी की परवाह नहीं है, किसी की नहीं सर। मुझे ये बताओ तुम्हें ये सब कुछ पता कैसे चला? कहीं उस रुबाब ने तो हाँ। रो रही थी, मिन्नत कर रही थी, कह रही थी कि तुम्हारी औलाद की वजह से मेरी इज्जत दांव पे लग गई, इस कमजोर को तो औलाद कहते हुए शर्म आ रही है मुझे। खबरदार फरुख, अगर आज के बाद तुमने उसे ब्लैकमेल किया ना, तो फिर तेरा पूरा वक्त मेरे हाथों शुरू हो जाएगा, और उसका वो सारा जेवर, वो नेकलेस, वो ब्रेसलेट, जो कुछ लिया उसको वापस कर दो। अरे घंटों में वापस करूंगा, किसी का बाप वापस करा के दिखाए मुझसे। रुबाब तुम नहीं, समझा दो इसे रुबीना, रोक लो इसे, पहले तो धोखे से, फ्रॉड से लोगों का माल लूटता था, पैसा लूटता था, लेकिन अब एक मासूम बच्ची, किसी की बेटी की इज्जत बर्बाद कर रहा है, और ये सब तुम्हारे लालच की वजह से हुआ। अच्छी तरह सोच लो, कल को ये ना हो कि इसके किए का नतीजा तुम भुगतो।